दिस इज़ साइस्ता या प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये मेरे दो पैरेट हैं, एक का नाम है बेटू, एक का नाम है छोटू। आपका ये जो पैरेट है, ये वाला जो पैरेट है मेरा, इसका नाम छोटू है, अभी 1 साल का है। और ये वाला जो है ये अभी 2 साल का है। ये मेल है, वो फीमेल है, ठीक है। आप अपने जो आपके पक्षी होते हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, पैरट ज़्यादातर कई सारे घरों में पाए जाते हैं, और इनकी देख रेख करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं। अगर इन्हें टाइम से कुछ चीज़ें ना मिलें तो फिर ये लोग अपने खाने को, मैंने जो चीज़ें अभी तक इन लोगों की देखी है कि लोग बहुत चिड़चिड़े होते हैं। अगर इन्हें जो चीज़ चाहिए तो चाहिए, अगर ये चीज़ जो चीज़ें इन्हें नहीं मिली ये लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। देखिए उसे, मेरे छोटू को बड़ा गुस्सा आ रहा है, देखिए उसकी आँख से देखिए उसको कितना गुस्सा आ रहा। और मेरा ये जो बेटू है ये मुझे बहुत प्यार करता है। तो सबसे पहले आप अपने घर में कोई बर्ड्स अगर पालते हैं तो उन्हें, उनकी देख रेख, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है दोस्तों, तो आपको एक चीज़ करनी होगी कि इन्हें आप जब नहलाते हैं तो सुबह इन्हें सुबह नहलाया करें, और इन्हें सुबह नहलाने के बाद इन्हें इनके पानी में डिटॉल डालकर इन्हें नहलाएं, और इनके खाने में इन्हें एक बादाम या काजू सुबह इन्हें दिया करिए। इनसे इनका जो जो इनका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो इससे मतलब ज़्यादा वो नहीं होगा, सही रहेगा। और क्योंकि और ज़्यादातर इन्हें खुले में छोड़िए, ज़्यादातर इन्हें पिंजड़े में बहुत कम रखिए। एक एक घंटे में आप इन्हें कम से कम आधे घंटे खुले रखिए, आधे घंटे पिंजड़े में रखिए। और ये लोग को खाना पानी टाइम से देना होता है, और इनको जो बीमारी ज़्यादातर निकलती है, इन्हें इनके जो बाल होते हैं वो पीठ से झड़ना स्टार्ट होते हैं। अगर आपके पैरेट्स के ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, या उन पर ये देखिए कि आपका पैरेट थोड़ा सुस्त टाइप का है, मतलब थोड़ा हर वक्त नींद नींद में रहता है या उंघाता रहता है, तो समझ लीजिए कि आपका पैरेट बीमार है और आपको अभी उसकी देख रेख करनी है। दोस्तों दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम पैरेट, हमारे जो जानवर होते हैं, हमारा उनसे एक अलग ही लगाव होता है। और जो पैरेट होते हैं ये तो हर किसी को प्यारे होते हैं दोस्तों। तो अगर आपको भी अपने पैरेट की देख रेख करना है तो सबसे पहले उन्हें टाइम से खाना दीजिए, टाइम से दाना पानी दीजिए। हाँ, इन्हें तली हुई चीज़ों से बहुत दूर रखें, जैसे जो ऑयली वाली चीज़ें हैं इनसे दूर रखें। इन्हें मतलब ज़्यादातर के फल होता है, केला होता है, सेब होता है, अमरूद होता है, आम होता है, ये दीजिए। बेटू 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 बोलो बेटू। ये देखो बोल रहा है, बोलो अप्पी, बोलो अप्पी, बोलो बेटा, जल्दी जो बोल दो, गुल्लू गुल्लू चढ़े मत रहो। हाँ बेटू हमारी, हाँ कैसे बोलते बेटा, तो दोस्तों ये है मेरे पैरेट्स। और आपको मैंने बता दिया कि जिस हिसाब से आप ये सुबह उठते हैं, इन्हें सुबह नहलाएं और इन्हें पढ़ना सिखाएं, और इन्हें क्या बोलते हैं टैब से खाना दीजिए, इन्हें तली हुई चीज़ों से जितना ज़्यादा आप परहेज कराएं, तली हुई चीज़ों से आप इन्हें परहेज कराएं, और इन्हें मतलब हर वक्त इन्हें केयर करें, इन्हें दिन में एक बार नहलाएं, डिटॉल से नहलाएं, इन्हें मतलब मूंगफली है और बादाम है ये सब दीजिए, ठीक है। ये सब ये लोग खाने से बहुत ज़्यादा पुष्ट रहते हैं। वैसे मैक्सिमम जितने भी पैरेट्स होते हैं, और ये पैरेट्स की जो एज होती है ज़्यादातर, हमारा ये पैरेट मेरे जो हैं ये भिलाई है, और इस पैरेट्स की जो एज होती है मैक्सिमम 20 से 30 तक होती है। अगर हम इसे ठीक से केयर करें तो ये 40 साल तक भी जी सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप इस पैरेट्स को आप देख रहे, देखिए मेरा पैरेट छोटू अभी बहुत गुस्से में है। छोटू ज़्यादा गुस्सा नहीं करते बेटा, बहुत मार पड़ेगी। हाँ ये देखो, ये देखो, ये नखरा देखो, देखो नखरा, देखो नखरा, इतने गुस्से में है ये। इसका मुंह देखो, 1 किलो का मुंह बना हुआ। और इनको देखो, बैठू मनाओ उसको, मनाओ अपने अपने अपनी फ्रेंड्स को मनाओ। हाँ छोटू मनाओ, छोटू को मनाओ, बैठू जाओ जल्दी से। देखिए ये चढ़ रहा है, उसके पास जा रहा है उसको मनाने की, वो छुप रही है, वो छुप रही है, ये मना रहा है। तो जाना मनाना, मुझे ना देख, उसे मना बेटू, बना बना जल्दी बना।
तो प्लीज़ गाइस मेरा ये वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें, और अपने सभी दोस्तों को अपने पैरट्स के बारे में बताइए कि जो पैरट्स होते हैं, हाँ इस पैरट्स को ज़्यादातर अंधेरे पसंद नहीं होते, इन्हें आप उजाले में रखें, क्योंकि ये कभी कभी अंधेरे से ये बेचारे ना इमोशनल भी होते हैं बहुत ज़्यादा, ये कभी कभी एकदम उसमें चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, इन्हें आप ज़्यादातर उजाले में रखें, ठीक है। मैं तो इन्हें खोलना छोड़ देती हूँ, और ये मेरा नेट है, नेट में ये लोग उड़ घूमते रहते हैं, और इनको ज़्यादा करके वर्जिश कराए थोड़ा, ये आपका जो पैरट है वो जब इधर उधर घूमेगा ना ज़्यादा थोड़ा सा चलेगा, क्योंकि दिन भर पिंजड़े में अगर आप उसको बंद करते हैं, अभी हम ही हैं, हमें खाना दे दिया जाए और एक जगह बैठा दिया जाए, तो हमारा भी जो पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। तो पक्षी भी होते हैं, इन्हें भी प्यार की ज़रूरत होती है, अगर हम इन्हें प्यार देंगे तो प्यार ही ये हमें देते हैं, पक्षी से ज़्यादा प्यार करने वाला हमें कोई नहीं होता, सच्चा प्यार इन्हीं से मिलता है, मुझे पैरट से बहुत प्यार है, मैं इन्हीं से प्यार करती हूँ, क्योंकि इनका प्यार निस्वार्थ होता है, ये हमें हमसे झूठा दिखावा नहीं करते हैं इंसानों की तरह। अना बेटू, ए बेटू इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, देखो ये देखो 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 दोनों की लड़ाई, अरे देखो उसका मुँह देखो, इसका मुँह देखो, दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, और लड़ो मत यारो, लड़ो मत, दोनों भाई बहुत लड़ते हो, तुम लोग बहुत लड़ते हो, मार खींच के चुप, बहुत लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है, बहुत लड़ते हो तुम लोग, मारूंगी खींच के। तो दोस्तों प्लीज़ दिस इज साइस्ता, यह मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, मैं आपको आने वाले सभी समय पर अपने पैरट्स के बारे में जो जो चीज़ पसंद है वो मैं बताऊँगी, और अपने पैरट्स को आप इस तरीके से ध्यान में रख कर उन्हें उनकी देख रेख कर सकते हैं, बस इन्हें आप डिप्रेशन में मत जाने दीजिए, इन्हें मूंगफली, इन्हें बादाम, काजू ये दीजिए, अगर ये अगर बीमार हो जाते हैं तो आप थोड़ा सा अजवाइन का पानी वैल करें एक कप पानी में, और फिर इन्हें दो दो चम्मच रोज़ पिलाएं, इससे आपके पैरट्स की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अगर वो बीमार हैं तो वो सही हो जाएंगे। देखिए ये उतर के चला आया है, बड़ा होशियार रंगदार सिंह बना हुआ है, देखिए ये इसके भी बहुत बाल झड़ रहे थे, फिर मैंने इसकी देख रेख करना स्टार्ट किया है, इनको ये जो इनके यहाँ से जो पर होते हैं ना पीठ से, यहाँ से इनको बीमारी आती है, तो ज़रूर देखिए जब इनका रंग चेंज होने लगे, और इनका जो बालों का कलर है वो मतलब जो ग्रीन से हल्का येलो, मतलब जो इनका एक नेचुरल कलर में अगर कुछ कमियाँ आने लगे, तो समझ जाइए कि आपका जो पैरट्स है वो भी हेल्दी नहीं, वो भी बीमार है। ये देखिए ये मेरा ये पैरट एक साल का है, और मेरा ये पैरट जो है ये दो तीन साल का हो गया है, ये बूढ़ा हो गया है, दो तीन साल का हो गया एक्चुअली, और ये बहुत शरारती है, बहुत शरारती है, मेरा ये मिट्ठू जो है ये बहुत शरारती है, मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसके बगैर एक मिनट भी नहीं रहती बेटू, मैं बेटू है ये, मेरा बेटू बहुत प्यारा बच्चा है, मुझे उठाता है, बोलेगा उठ अप्पी उठ उठ, कैसे उठाते बेटा बता दे जल्दी से, हाँ ये देखिए बोल रहा है कि मैं ऐसे उठता हूँ, ऐसे उठता हूँ, ऐसे 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 उठता हूँ, ये देखिए देखिए इसका नखरा, देखिए इसका नखरा, देखिए इसका नखरा, अभी ये थोड़ा बीमार से उठा है तो थोड़ा अभी कम वो करता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा बंद करके नहीं रखना चाहती, इसको मैं छोड़ के रखना चाहती हूँ। आप अपने पैरट्स को ज़्यादातर खुला छोड़ दिया करिए, देख के कि आपके घर में कहीं बिल्ली बिल्ली तो नहीं है, तो उस हिसाब से, और वो देखिए वो ऊपर चपक के खड़ा है, वो तो आएगा ही, मुंह बना, क्या हुआ तुमको, क्यों मुंह बना है तुम्हारा, बहुत गुस्सा आता है, ये छे मारेंगे, ज़्यादा गुस्सा निकालने का समझे ना, ये देखिए गुस्से में है, ये देखिए उसको गुस्सा तो देखिए, ये गुस्सा देखिए, ये देखिए आँख, देखिए आँख से पता चल रहा है ये गुस्से में है, और हमारा ये छोटू बेटा, हमारा प्याला बेटा ये गुस्से में नहीं है। तो प्लीज़ गाइस दिस सपोर्ट दिस साइस्ता, या प्लीज़ मेरे नटखट पैरट लोग को आप जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, प्लीज़ इनको आप देखें और शेयर करें, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, दोस्तों ये बहुत प्यारे होते हैं, आप इनको प्यार दीजिए, ये प्यार के भूखे होते हैं और कुछ नहीं। ये देखिए देखिए इसका नखरा, देखिए इसका नखरा बहुत है, और वो तो चपक के बैठा है, आने का नाम ही नहीं ले रहा, इधर आओ नीचे छोटू, जल्दी आओ, गुच्छा नहीं करते फिर बेटू मारेगा, जल्दी आ जाओ, हाँ 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 बेटी तुम माना, नहीं बेटू 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 नहीं माना, बेटू नहीं मेरे बहुत लग दो बेटी, अरे ठीक है चलो बाय करो सबको, टाटा बाय कर दो, बाय बेटू, बाय 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 बेटी, ओले बबले इधर 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 आओ ना, उसमें मत, वो पैर में मत जाओ, पैर में हमें चोट है ना, बाय बाय कर दो बेटा।
चलो 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 चले चले चले, देखो तो ठीक है गाइस, बाय, टेक केयर। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और मेरा जो बेल आइकॉन है इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दिस इज़ साइस्ता यार, और मैं आने वाले समय में अपने पैरट्स के बारे में आपको बताते रहूँगी। ये पैरट दोनों बहुत शरारती है, देखिए एक एक तो चला उसको मनाने। अब मैं आपको दिखा दी हूँ कि मेरे पैरट्स कैसे हैं। ओके, बाय।